भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना आज अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया ने देखा भारतीय वायुसेना का दम। भारत के आसमान में गर्जा राफेल विमान। आज देश मना रहा एयरफोर्स डे। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना। अपाचे और M-35 ने दिखाए करतब। चीनूक हेलीकॉप्टरों ने किया फ्लाई पास्ट। तेजस और जगुआर ने आसमान में दिखाई ताकत। सूर्य किरण सारंग टीम ने आसमान में दिखाए करतब। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 28वीं वर्षगांठ मना रही है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना परेड हुई। इसके बाद राफेल सुखोई LCA फास्ट करके दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बता दें, वायुसेना दिवस के मौके पर एयरबेस से आसमान में राफेल ने दुनिया को दिखाई। राफेल के साथ थ्री फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी। राफेल के बाद स्वदेशी विमान तेजस ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया। हिंडन एयरबेस पर 88वें हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और आज भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इसे क्यों मनाया जाता है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसे हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आजादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद कराने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर एल्महर्स्ट को दिया जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर वो बने रहे थे। गीता से लिया गया है आदर्श वाक्य। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशं दीप्तम्। ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
ये महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना ध्वज। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती एक चौथाई भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 28वीं वर्षगांठ मना रही है। हिंद ने बेस पर वायुसेना परेड हुई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वायु वीरों को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा है दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना के बहादुर जवानों ने अपना कर्तव्य निभाते समय हमेशा समर्पण, साहस और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने शौर्य, साहस और पराक्रम से मां भारती की सेवा करने वाले जवानों को नमन और भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे।